नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रे। जानिए भारतीय जनता पार्टी की इस भारी जीत के पीछे क्या है कारण। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब ये बहस चल पड़ी है कि आखिर जीत के क्या कारण रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा था उसके अनुसार नोटबंदी से लोग परेशान हो गए हैं और जीएसटी ने तो व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था। ऐसी स्थिति में आखिर ये कौन से कारण थे जो भाजपा की जीत का कारण बने, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी उसने भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख तक का इलाज गरीबी रेखा वालों को मुफ्त मिल जाता है। इस योजना के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा निम्न वर्ग से मिला है। ये निम्न वर्ग कांग्रेस के खाते का था। हालांकि कांग्रेस ने इस वर्ग को आकर्षित करने के लिए घोषणा की थी कि गरीबी रेखा वाले परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का ये वादा इस वर्ग को आकर्षित नहीं कर सका। आयुष्मान योजना के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा गरीबी रेखा वाले परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए गए, उसने भी भाजपा के लिए जनाधार बनाया। इसी तरह नरेंद्र मोदी द्वारा गांव में मकान बनाने के लिए कुटीर योजना के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि प्रत्येक परिवार को दी गई। इसने ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा के लिए एक जबरदस्त आधार खड़ा कर दिया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की राशि में कुछ पैसा मिला, हर व्यक्ति की झोपड़ी छोटे मकान में बदल गई। इसी तरह शहरों में आवासहीन लोगों को जो छोटे फ्लैट बनाकर दिए गए, उसने भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में वृद्धि की। लगभग 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए थे। इधर नया मकान खरीदने या फ्लैट खरीदने पर जो सब्सिडी दी जा रही थी 2.75 लाख की, वो भी लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। इसी की वजह से भी नरेंद्र मोदी की एक अलग ही छवि बनती चली गई। इस वर्ग ने अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को दिया, तभी यह संभव हो पाया कि इतने भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।